तो फ्रेंड्स, दीदी की रसोई में आज हम सीखने जा रहे हैं कॉर्न पनीर मैगी। तो चलिए इसका प्रोसीजर सीखते हैं। अब हमने लिया हुआ है पहले एक प्याज कटा हुआ जी, एक टमाटर कटा हुआ, थोड़ा सा छोटा छोटा कटा हुआ पनीर, बॉईल किया हुआ कॉर्न, स्वीट कॉर्न, हाँ जी। और मैगी हमारी पड़ी है, आपको पता है मैगी तो मिलती ही है मार्केट में, उसका मसाला पड़ा हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे बनती है। पहले हम थोड़ा सा पैन में तेल डालेंगे, कढ़ाई में जितना आप चाहो उतना डाल सकते हो, पर थोड़ा हेल्दी बनाना है इसलिए थोड़ा कम ही डालें। उसके बाद हम कढ़ाई गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब देखते हैं क्या आगे करना है। पहले हम इसमें प्याज डालेंगे आराम से, इसमें प्याज जलेगा पहले, अच्छे से सॉटे करना होगा इसको शायद, अब जब तक गोल्डन ना हो जाए। हाँ जी हाँ जी, पहले हम इसे प्याज को गोल्डन होते तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, प्याज हो चुका है तैयार, ये कितना प्रॉपरली गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे जी, जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए, प्याज के साथ मिलना जाए, हम इसको पकते रहेंगे। इसकी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं हम टाइम टू टाइम, मतलब सर्विंग से डिपेंड करता है कि ये प्याज टमाटर इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी कितनी हो सकती है। हाँ हाँ, आपको ज्यादा लोग के लिए बनाना है तो आप प्याज और टमाटर ज्यादा डाल सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बनाना है तो कम डाल सकते हैं, इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, स्वाद के अनुसार जितना खाना हो आपको डाल सकते हैं स्वाद के अनुसार। और टमाटर डालते हैं, अगर हल्का सा नमक डाल दें तो टमाटर अच्छे से घुल जाएगा, तो हम हल्का सा नमक डाल देते हैं जी, बिल्कुल हल्का सा, ताकि इसका जो टमाटर और सॉल्ट डाल दिया है और थोड़ा सा हाँ कि टमाटर पक जाए अच्छे से, हाँ उसमें मिल जाए प्याज और टमाटर अच्छे से हमारा मिक्स हो जाए। देखिए कैसे हो रहा है, ये अच्छे करने के बाद फिर जब हमारा टमाटर अच्छे से पक जाएगा तो इसके अंदर हम अभी देखिए हमारा टमाटर हो रहा है। फ्रेंड्स, हमारे टमाटर भी हो चुका है तैयार, अब इसमें आगे देखते हैं हम क्या ऑर्डर करेंगे। अब हम इसमें कॉर्न डालेंगे, स्वीट कॉर्न जो मैंने बॉईल करके पहले से बॉईल कर रखा है, हाँ हल्का सा बॉईल नमक डाल के बॉईल कर लीजिए ताकि इसका टेस्ट बहुत एनहांस हो जाए। हाँ हाँ जी, अब इसको भी थोड़ा सा हम चला लेंगे। तो हमारा कॉर्न सारा पूरा इंग्रेडिएंट सारे डाल दिए गए हैं, अब हम इसमें पनीर डालने जा रहे हैं। पनीर डाला जा रहा है और थोड़ी देर इसको पकाएंगे जी, क्योंकि पनीर ये थोड़ा सा टमाटर और प्याज सब अच्छे तरह से मिल जाए, हाँ तो उसका फ्लेवर ले ले थोड़ा, हाँ, पनीर अब्जॉर्ब कर ले, हाँ जी तो, इतना प्यारा कलर आ रहा है इसका। हाँ तो थोड़ी देर हम 5 मिनट से भी कम 2 मिनट हम इसी तरह से इसको पकाएंगे। पहले हम मैगी मसाला जो मैगी के साथ आता है वो डाल देंगे जी, मैगी मसाला डालेंगे पहले। अब हमारा वो पूरे सारे कुक हो चुके हैं सारे वेजिटेबल्स, इसमें हम मैगी मसाला डाल रहे हैं। पहले डालने का यही पर्पज है कि अच्छे से सारी सब्जियां और मैगी मसाला मैगी का फ्लेवर मिक्स हो जाए, अलग सा फ्लेवर देगा। हाँ ये पहले हम थोड़ी देर इसको ऐसे रखेंगे जी, उसके बाद से हम इसमें थोड़ा सा पानी। ये फ्लेम आपने लो रखी है या हाई रखी है? नहीं, फ्लेम हमने लो रखा है क्योंकि हम हाई पे रखेंगे तो जल जाएगा जी, जी, लो जी। पे रखेंगे तो मसाले अच्छे से पनीर और कॉर्न में डिजर्व हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब हम थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जैसे रखना है थोड़ा ग्रेवी वाला रखना है तो 1 गिलास पानी डालेंगे, सूखा रखना है क्योंकि मैगी थोड़ी सी 4 लोगों 4 लोगों के लिए बनाई जा रही है, इसलिए हम थोड़ा पानी करेंगे। पानी कर दिया है इसमें, हाँ। अब आगे देखते हैं क्या अब होगा? ये थोड़ा सा जब खोलने लगेगा तो इसके अंदर हम मैगी डालेंगे जी, क्योंकि अगर ऐसे डाल देंगे तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा ये हो जाएगा ग्रेवी तैयार हो जाएगा, उसके अंदर अगर मैगी डालते हैं तो फिर जल्दी बन जाएगा जी। तो हमारा मैगी का सॉस हो चुका है बॉईल, अब इसमें हम मैगी डालेंगे। मैगी डल रही है और मैं बहुत एक्साइट हो रही हूँ खाने के लिए, मजा भी आएगा, अलग सा फ्लेवर है क्योंकि इसमें और भी कुछ पड़ेगा इस वजह से, एक अलग सीक्रेट इंग्रेडिएंट हमारा हाँ। जी तो मैगी अब इसको पकने दिया जाएगा कि पहले इसमें अब कुछ डाला जाएगा? नहीं, पहले थोड़ी देर पकने दिया जाएगा उसके बाद हम डालेंगे इसमें जी।
तो फ्रेंड्स हमारी मैगी हो चुकी है लगभग तैयार। ये लगभग 5 मिनट लग जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट इसको 5 मिनट लग जाएगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक, फिर डाल देंगे हम। जी नमक डाल दिया है इसमें मैं, और ये फ्लेम इसकी अब हाई है। पहले मसाले के टाइम पे लो रखनी है फ्लेम, और जब मैगी पकने के लिए हाई कर देनी है। और जब सामान डालेंगे हम इसके अंदर, और भी जो चीज डालने वाले हैं, तो हम इसको लो कर देंगे। जी और नमक के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा अजीनोमोटो, एंड अजीनोमोटो डजंट किल्स, पहली बात ये हेल्थ के लिए बुरा नहीं होता है जैसे इसकी अफवाहें उड़ी हुई हैं। फिर हम डालेंगे इसको आधा चम्मच ओरिगानो। जी ओरिगानो डाल दिया है, अब हम इसमें हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने जा रहे हैं, जो है हरी चटनी। थोड़ी सी हल्का सा खटास ले आती है एंड काफी अच्छा टेस्ट करती है, एक इंडियन ट्विस्ट मैगी को। और इसमें फिर हम एक चम्मच मेयोनीज डाल देंगे। जी एक चम्मच मेयोनीज डाल रही है, एंड अब इसको अच्छे से स्टिर करेंगे, हम मिक्स कर देंगे, अच्छे से घुमाएंगे इसको। मेयोनीज मतलब क्या हमें जरूरी है डालनी की? जिसको जिसका मन है वो डाले, जिसको नहीं डालना है वो नहीं डाले, बट इसके डालने से हमारा फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। जी जी, क्योंकि एक इंडियन और वेस्टर्न फ्यूजन आ जाता है। क्योंकि क्या है कि आज तक हमने मैगी सिंपल मैगी खाई है, प्याज टमाटर वाली मैगी खाई है, और ये मैगी आप पहली बार खाएंगे, कॉर्न और पनीर की मैगी, जिसमें आपने देखा मैंने क्या क्या डाला। प्लीज ट्राई कीजिएगा जी। और अभी थोड़ी देर सॉल्ट के अलावा इसमें जो भी सॉल्ट के बाद जो भी डाला है आपने, वो सब एक टेस्ट एनहांसर की तरह है। जी तो आप प्लीज इसको जरूर बनाइए। मैगी हमारी लगभग तैयार हो चुकी है, और इसका देखिए क्या फ्लेवर आ रहा है, देखिए अच्छी सी खुशबू, क्योंकि इस पे ग्रीन चटनी है। जी मेयोनीज है। जी जी अजीनोमोटो है, तो इस वजह से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा है। और हमारी मैगी अब तैयार हो चुकी है, और अब हम सर्व करेंगे इसे। तो ये मैगी हमारी हो चुकी है तैयार और गरम गरम सर्व हो रही है, क्योंकि ठंड का दिन है इसलिए मैगी बना सकते हैं बहुत जल्दी, बहुत टेस्टी। काफी अच्छा स्नैक है, लाइट और कह सकते हैं काफी टेस्टी स्नैक है। मैगी सबको पसंद आती है, बच्चों को भी पसंद आती है, बड़ों को भी पसंद आती है। जी तो हमारी मैगी हो चुकी है तैयार, हमारी कॉर्न एंड पनीर मैगी हो चुकी है तैयार। फ्रेंड्स बताइएगा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, एंड थैंक यू।